नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ श्री विवेक देवराय साहब के आर्टिकल की। पुनः 15 अगस्त को जब प्रिंट में श्री देवराय साहब का लेख छपा तो पूरे देश में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, लेकिन सरकार की ओर से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है कि उनके विचारों को क्या माना जाए। इसलिए कि श्री विवेक देवराय कोई साधारण व्यक्ति हैं नहीं, ये चेयरमैन हैं एडवाइजरी काउंसिल, जो इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने के लिए, उसके ही अध्यक्ष हैं। इनके पहले भी विभिन्न विषयों पर लेख आते रहे हैं विभिन्न अखबारों में, लेकिन इसने इस लेख ने निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है। इन्होंने बहुत तरीके से अपनी बातों को रखते हुए ये कहा कि 2047 का जो विकसित भारत आने वाला है उसके लिए अब ज़रूरी हो गया है कि इस संविधान को बदल दिया जाए। अब कुछ संशोधनों से काम नहीं चलने वाला है, पूरे तौर पर इसको बदलने की जरूरत है। पहले कुछ अन्य लोग यदाकदा प्रश्न उठाते रहते थे भारतीय संविधान पर और कहते रहते थे कि नए संविधान की आवश्यकता है, तो इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। लेकिन इस लेख के लिए चौंकना स्वाभाविक है और ये एक तरह से खतरे की घंटी है, विशेषकर सामाजिक न्याय वर्ग के लिए जो देश का अनुसूचित जाति वर्ग है, अनुसूचित जनजाति वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं, जिनकी आबादी इस देश की 85% है, उनके लिए खतरे की घंटी। इसलिए कि इस भारतीय संविधान ने सुनिश्चित किया एक व्यक्ति का एक वोट बालिग मताधिकार के आधार पर, चाहे वो कोई भी। इस संविधान ने सुनिश्चित किया मूलभूत अधिकार सभी का, और इस संविधान ने सुनिश्चित किया है कि जो मूलभूत अधिकार हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसे नहीं बदला जा सकता है। अब मैं कुछ पीछे जाऊं तो महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने सवाल खड़ा किया था 1973 के केशवानंद भारती जजमेंट की, और उन्होंने कहा था कि ये जजमेंट ठीक नहीं था, कान उस वक्त भी खड़े हुए थे लोगों के। फिर तत्कालीन लॉ मिनिस्टर श्री किरेन रिजिजू साहब ने कहा था कि जुडिशियरी के लोग जनता से चुनकर नहीं आते, इसलिए वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, अर्थात ये उंगली एक तरह से जुडिशियरी पर उठी थी, कि जो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो चाहती है वो सारा काम जुडिशियरी नहीं, वही निर्णय नहीं, उस तरह का निर्णय नहीं दे पा रही है, इसलिए उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि वो चुनकर नहीं आते। तीसरा, जो अभी संसद का सत्र गुजरा है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई साहब, जो रिटायरमेंट के तुरंत बाद राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत हुए, उस वक्त लोगों का चौंकना स्वाभाविक था, चूँकि वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े हुए फैसले देकर आए हुए थे। उन्होंने इस संसद में संविधान के बेसिक प्रिंसिपल्स पर चर्चा की, जिसके कारण अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक बहस में जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद के जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं किन्हीं के द्वारा, उससे न्यायपालिका को कोई लेना देना नहीं। तो ये सब बातें, और फिर 15 अगस्त को श्री विवेक देवराय साहब का लेख निश्चित तौर पर एक तरह से एक सिग्नल की तरह माना जाना चाहिए, और ये
निश्चित तौर पर योग्यता पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जो हमारे संविधान सभा थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे और सभी तपे तपाए स्वतंत्रता सेनानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे और जो ड्राफ्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसकी अध्यक्षता देश के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कर रहे थे और 6 मेंबर्स वे भी तपे तपाए सेना स्वतंत्रता सेनानी और विद्वान व्यक्ति थे। जो भी संविधान बना जो प्रावधान थे उसको बनाने में 2 वर्ष से 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था और एक एक कहिए अनुच्छेद पर कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत विशद विवेचना की थी, बहस हुई थी। तो क्या इतनी जल्दी सिर्फ इतने वर्षों में यह संविधान अब चलने लायक नहीं रहा इस देश के लिए, या कहीं निशाना अलग तो नहीं कि इसी बहाने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग सहित जो अल्पसंख्यकों को जो समानता का अधिकार मिला है ये कहीं कुछ संस्थाओं को अच्छा नहीं लग रहा हो, ये भी बात हो सकती है। अन्यथा सरकार की ओर से निश्चित तौर पर इसको काटा जाना चाहिए था कि इस तरह का लेख में जो विचार आया है किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा, उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब आगे क्या होगा ये देखा जाएगा, चूँकि ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और विरोध किया है, उनके सुझाए हुए जो प्रस्ताव हैं उनका विरोध किया गया है। मैं आज सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा खासकर वैसी पार्टियों से जो सामाजिक न्याय का नारा देती हैं, समाजवाद का नारा देती हैं, गरीबों का नारा देती हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण की बात करती है और वो NDA की एलाइड पार्टी हैं, क्या उनके नेता या पार्टी इस बात को स्पष्ट करेगी कि क्या वे श्री विवेक देवराय के व्यक्त विचारों के साथ हैं या नहीं हैं। चूँकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जो सबसे बड़ा योगदान है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको जनता के स्मृति पटल से इनडायरेक्ट वे में हटाने का यह प्रयास है। इसलिए मैं उन पार्टियों का नाम लेना चाहूँगा कि इन्हें निश्चित तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए इस लेख के प्रति। सबसे पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल, जिसके अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, लोक जनशक्ति पार्टी के दोनों गुट, जो एक गुट का नेतृत्व श्री चिराग पासवान साहब कर रहे हैं और एक गुट का श्री पशुपति कुमार पारस साहब, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जिसका नेतृत्व श्री जीतन राम मांझी साहब कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का अपना दल जिसका नेतृत्व श्रीमती अनुप्रिया पटेल कर रही हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिसका नेतृत्व श्री ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं, निषाद पार्टी जिसका नेतृत्व श्री संजय निषाद कर रहे हैं, और जननायक जनता पार्टी जिसका नेतृत्व श्री दुष्यंत चौटाला साहब कर रहे हैं। ऐसी पार्टियों को निश्चित तौर पर इनके साथ दक्षिण भारत की जो एक महत्वपूर्ण पार्टी है तमिलनाडु की ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कसगम, इनको भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए देश की जनता के सामने में कि क्या वे इस संविधान को हटाकर नए संविधान का निर्माण चाहते हैं अथवा नहीं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें, अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।